हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ, अगेन नेक्स्ट 24 आवर्स की हम रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लिए ये जो वक्त है नेक्स्ट 24 आवर्स का कैसा रहने वाला, आपको अपनी लाइफ में क्या देखने को मिलेगा, क्या ब्लेसिंग्स, क्या अपॉर्चुनिटीज़ या क्या आपकी लाइफ में हो सकता है। जो भी आपके लिए मैसेजेस वगैरह यहाँ पर होंगे, गाइडेंस होंगे, वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। ये रीडिंग व्यूअर्स जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रहेगी। जब ये रीडिंग आप देखेंगे तो उसको देखने के नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए रीडिंग आपके लिए अप्लीकेबल रहेगी, ठीक है। तो इस रीडिंग को आप कभी भी देखें, सिर्फ टाइम पे ना जाएं, आपको सिर्फ मतलब ये रीडिंग कब पब्लिश हुई है इस पर ना जाएं, आपको ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी ये रीडिंग आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आपके लिए एप्लीकेबल रहेगी। आपके सामने यहाँ पे दो कार्ड हैं, कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2। ये कार्ड आपको नज़र आ रहे होंगे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और थोड़ा देर मेडिटेट करें या वीडियो को पॉज कर लें, थोड़ी देर मेडिटेट करें। अपने लिए कार्ड खुद सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। और जो भी कार्ड की एनर्जी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, आपको उसके साथ में जुड़ के अपनी रीडिंग को यहाँ पे देखना होगा। टाइम स्टैंड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके अपनी रीडिंग को डायरेक्टली उस पर अपनी रीडिंग पे पहुँच के रीडिंग देख सकते हैं। रीडिंग अगर आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए, इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं कार्ड नंबर 1 के साथ में। आई होप सो आपने लिए अपने लिए जो रीडिंग है वो सिलेक्ट कर ली होगी। फिर भी चलो थोड़ा सा पास से मैं आपको ये दोनों कार्ड दिखा देती हूँ, ठीक है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्ड नंबर 1 के साथ में रीडिंग, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या नज़र आता है। सो हेलो, वेलकम बैक पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने व्यूअर्स इस कार्ड को अपने लिए सिलेक्ट किया है, सुंदर सा कार्ड है जिसमें एक जार दिख रहा है और ये जार में से बटरफ्लाई जो है, जुगनू बटरफ्लाई निकल के बाहर आ रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से ग्रीनरी है, घास है यहाँ पे, तो एक एनर्जी गाइज यहाँ पर आपकी लाइफ में यहाँ पे ये आपने चुनी है। सो लेट्स सी आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे और क्या लेके आ रहे हैं। एक सेकेंड, ओके। सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। मेरे व्यूवर्स जिन्होंने पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया अपने लिए, इनके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे रहने वाले हैं, क्या लेके आ रहे हैं नेक्स्ट 24 आवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए। फोर ऑफ कप्स, टेम्परेंस, ओके। सो पाइल नंबर 1, आप लोग के लिए मैं क्या देख पा रही हूँ कि आप कर क्या रहे हो अपनी लाइफ के अंदर नेक्स्ट 24 आवर्स में। मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, या फिर मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, इस तरफ आपका जो फोकस है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो बेसिकली क्या है, आप अपनी लाइफ से अनसेटिस्फाई या डिससेटिस्फाई जिसको आप बोल सकते हो, मतलब कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि यार मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं इस चीज़ की कमी है या उस चीज़ की कमी है, ऐसा है। लेकिन नेक्स्ट 24 आवर्स आपके लिए क्या दिखाई दे रहे हैं कि बेशक हो सकता है देखो लाइफ में कमी हो आपकी, लेकिन आपके पास में कुछ ऐसा भी है व्यूअर जो आपकी तरफ आ रहा है, जो आपके लिए एक कनेक्ट करने का काम कर रहा है आपको खुशियों से, ठीक है, खुशी से कह सकते हो ना, ये अपॉर्चुनिटीज से। क्योंकि ये एनर्जी यहाँ पर आपको क्या बता रही है, जो कार्ड आपने अपने लिए सिलेक्ट किया था ना, ये भी क्या है, ब्रेकिंग द बैरियर, यानी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में अगर आप अपने पैटर्न को जो चलता चला रहा है अगर आप उसे चेंज करोगे
तो यू विल फाइंड, चेंज कैसे करोगे, चेंज करना है अपन को आपको अपना माइंड. इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज योर वर्ल्ड, यानी आपको अपनी लाइफ अगर बदलनी है, देन फर्स्ट चेंज योर माइंड. तो आपको अपना माइंड सेट चेंज करना होगा. जैसे ही आप अपने माइंड सेट को चेंज करेंगे, शिफ्ट करेंगे, चीज़ों को दूसरी परिस्थितियों के साथ में देखना स्टार्ट करेंगे, या फिर अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ में जो जो आपके पास में ब्लेसिंग्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप उनको देखना स्टार्ट करेंगे, आपको समझ में आएगा कि आपकी लाइफ उतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी आपने अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है. तो नेक्स्ट 24 आवर्स आपको क्या बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप अपना विजन, प्रोस्पेक्टिव अपना जो है आपको उसको चेंज करना है. यहाँ पे एनर्जी गाइस यहाँ पे ये भी दिखाती है कि कहीं ना कहीं आपके पास में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नेक्स्ट 24 आवर्स में आ रही है. जस्ट डोंट इग्नोर इट, आपको उसको एनकैश करना, मतलब उसको जुड़ना, अकेले नहीं रहना. ये टाइम आपको क्या बताता है कि सपोज़ आपको किसी ने अप्रोच किया, चल यार मूवी देखने चल रहे हैं, चल यार बाहर चल रहे हैं, और आपने कहा नहीं यार मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जा रहा, तू चली जा. शॉपिंग करने चल रहे, नहीं यार मेरा मन नहीं है, चली जा. ऐसे नहीं करना है, ठीक है? अगर आपको करके तो देखो, जुड़ के तो देखो लोगों से कितना आपको अच्छा लगता है. तो नेक्स्ट 24 आवर्स आपको यही बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कनेक्ट करो अपनी फ्रेंड से, अपनी फैमिली से. व्हेन यू कनेक्ट, यू विल फाइंड कि आपका दिमाग काफ़ी रिलैक्स है, काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं आप. ऐसी एनर्जी गाइज आपको दिखाई देगी, यानी करंट पैटर्न जो आपकी लाइफ में चल रहा है उसमें चेंज आप अपनी लाइफ में खुद लेके आ सकते हैं. जस्ट आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा, यानी जो ऑफर आपकी तरफ आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना होगा. तो कुछ अच्छी गुड न्यूज़ भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होना भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, कुछ ऑफर भी आपकी तरफ, यानी किसी की अप्रोच भी यहाँ पे कंसिडर की जा सकती है. तो आपकी लाइफ में नेक्स्ट 24 आवर्स में कुछ ना कुछ तो आपको कोई व्यक्ति, कोई न्यूज़, किसी तरह का कोई एक्शन आपको अप्रोच कर रहा है, जिससे आपकी लाइफ में आपको एक मौका मिलेगा कि करंट पैटर्न जो आपकी लाइफ में आप चलता चला रहा है, आप उसे ब्रेक करें और अपनी लाइफ में कुछ नया चेंज लेके यहाँ पर आ सके. ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए व्यूवर्स यहाँ पे रीडिंग आई है. अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो उसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. और वन मोर थिंग, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं हुई है तो आप इसके बाद वाली रीडिंग जो इसके साथ ही में अपलोडेड है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं. ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपके लिए. बाय बाय, टेक केयर. हेलो, वेलकम बैक पाइल नंबर 2. तो जिन्होंने व्यूअर्स इस कार्ड को अपने लिए सिलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं. लेट्स सी, प्लीज यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज हेल्प अस, प्लीज गाइड अस, मुझे बताएं पाइल नंबर 2 के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे रहने वाले हैं. पाइल नंबर 2 के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे रहने वाले हैं डिवाइन एंजल. फोर ऑफ वेंड्स, वाओ, थ्री ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ कप्स. ठीक है, सो पाइल नंबर 1 आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे रहने वाले हैं. भाई काफ़ी अच्छे नेक्स्ट 24 आवर्स नज़र आ रहे हैं आप लोगों के लिए. आपके पास में अपॉर्चुनिटीज़ है खुश होने की, सेलिब्रेट करने की, ज़िंदगी को जीने की. तो उसे जीना, इस टाइम को जीना. नेक्स्ट 24 आवर्स आपके लिए एक हैप्पीनेस से भरे हुए, एक बहुत अच्छा वक्त को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पर आप अपने अपने लोगों के साथ में, अपने चाहने वालों के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं. मे बी कोई शॉपिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं. तो इस टाइम को आप करो. लाइफ में देखो प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा नहीं है किसी की भी लाइफ प्रॉब्लम से अछूती नहीं है. जैसे कहते हैं ना, प्रॉब्लम का टच हमेशा लाइफ में कहीं ना कहीं रहता है, लेकिन जब ज़िंदगी को जीने का मौका मिले तो उस प्रॉब्लम को अवॉइड कर दो, उन थॉट को अवॉइड कर दो. ठीक है, उनसे कहीं ना कहीं किनारा कर लो फॉर अ टाइम बीइंग. तो आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो किसी एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं पे, लेकिन अभी आपको क्या करना है नेक्स्ट 24 आवर्स में, जब ये समय आपको मिल रहा है, ये समय जब आपको अपनी ज़िंदगी में खुश होने का मिल रहा है, तो आप इसको जियो. इसको उसके साथ में मिक्सअप मत करो, ठीक है? उसको ख़राब मत करो इस वक्त को. कहते हैं ना, खुशियों के पल बड़े कम होते हैं ज़िंदगी में, लेकिन जो रोने धोने वाले पल होते हैं ना, बहुत ज़्यादा होते हैं. और जो वो खुशियों की एनर्जी को ओवरटेक कर लेते, तो आपको ये नहीं होने देना. आपको कहीं ना कहीं उस, जैसे कहते हैं ना, ये देखो कितना अच्छा कार्ड आपने अपने लिए सिलेक्ट किया था, वॉरियर ऑफ लाइट.
तो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपने बहुत संघर्ष भी किया है, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव को भी आपने देखा है, लेकिन ये कार्ड आपकी ज़िंदगी में क्या दिखा रहा है, कि कहीं ना कहीं रोशनी की किरण, एक सवेरा आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। तो नेक्स्ट 24 आवर्स बहुत अच्छे रहने वाले हैं व्यूवर्स, बस आपको उनको अच्छा बनाना होगा थोड़े और एफर्ट से। कैसे? प्रॉब्लमेटिक चीज़ों को, प्रॉब्लमेटिक लोगों को, टेंशनों को आपको अलग करना है, उनसे किनारा कर लेना है फॉर अ टाइम बींग, ठीक है? तो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, ऑफिस के टेंशन है तो उसको बाहर छोड़ दो, ऑफिस के टेंशन को ऑफिस में छोड़ दो, और ऐसा मान के चलो कि अब मेरी यही मेरी लाइफ है और मुझे इसमें अपना 100% देना है, ठीक है? तो ये आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पे एनर्जी है। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ बाकी सारी प्रॉब्लम को, किसी व्यक्ति को, किसी भी प्रॉब्लम को, आपको ऐसा करना है। और यहाँ पर व्यूअर्स आप लोगों के लिए मैं ये देख रही हूँ कि ज़िंदगी आपकी आपको एक मैसेज देती है, वो ये कि सम टाइम क्या होता है, हमें ज़िंदगी हमारी लगता है कि ख़त्म हो रही है, बेरंग हो रही है, सिर्फ ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा। वो एक दौर होता है, वो एक वक्त होता है, लेकिन वक्त बदलता है। तो आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट 24 आवर्स कुछ वक्त को ही बदल रहे हैं, ठीक है? जैसे कहते हैं ना, बाहर का वक्त है, सेलिब्रेट करने का वक्त है। ये कार्ड भी आपके लिए वही मैसेज देता है कि समटाइम परिस्थितियाँ वैसी नहीं होती हैं जो हमें नज़र आ रही होती हैं, या फिर ये कहें कि समटाइम परिस्थितियाँ डिफ़िकल्ट ज़रूर होती हैं, लेकिन एक समय के बाद में वो डिफ़िकल्टी भी नहीं टिकती है, उसको भी जाना ही पड़ता है, ठीक है? तो आपकी ज़िंदगी से कुछ डिफ़िकल्टीज़ वाला जो वक्त है वो यहाँ पे जाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे तो आप इस वक्त को मिस कर दोगे, ये आपको नहीं करना है, ठीक है? वक्त बिताओ अपनी फैमिली के साथ में, अपने लोगों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, खुश हो, अकेले नहीं रहना है। बेसिकली क्या है यहाँ पर, आपको अकेले नहीं रहने के लिए बोला जा रहा है, कनेक्ट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अकेले रहोगे तो मल्टीपल थॉट उल्टे पुल्टे दिमाग में चलेंगे, जब लोगों से कनेक्ट हो जाओगे तो इन्जॉय कर पाओगे और ये दिन आपको फिर याद रहेगा, ठीक है? तो मौका मिल रहा है, इसको यूटिलाइज़ करना, इसको ऐसे ही जाने मत देना। ज़िंदगी में एक अच्छी शुरुआत करने का बहुत अच्छा समय है, ठीक है? एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए ही सही, पर ज़िंदगी को जीने का जो मौका आपको मिल रहा है इसको इन्जॉय करो, ठीक है? क्योंकि हम ये सिर्फ नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए रीडिंग देख रहे हैं, इसके आगे का हमने वक्त यहाँ पे नहीं ऐड ऑन किया है, तो इसलिए मैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए बोल रही हूँ। हो सकता है ये आगे आपकी ज़िंदगी में ये जो वक्त है कैरी फॉरवर्ड हो, ठीक है? नेक्स्ट 24 आवर्स ही नहीं, उससे ज़्यादा आपको ये टाइम जीने का मौका मिले तो उसको कैश करो, इसको जाने मत देना। ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज है, ठीक है व्यूअर्स? तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग है, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है, कोई मैसेज हैप्पी न्यूज़ आने वाली है, ठीक है? कोई मैसेज, कोई व्यक्ति, कुछ भी, कुछ हैप्पीनेस से भरा हुआ ही आपकी ज़िंदगी में आएगा, सो क्लेम ज़रूर करें इस एनर्जी को, ठीक है? सो ये थी रीडिंग आपके लिए, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, खुद को हील एंड पॉजिटिव रखिएगा, सो बाय बाय, टेक केयर।